नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एक बार वापस एस ट्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अपना जो करंट अफेयर्स का पहला वीडियो जो रहा, उसका आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब अपन करंट अफेयर्स में जैसा अपन ने बात की थी, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था, सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो आज अपन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा अपना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा था 2019 का, उसकी अगर अपन बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहा उसको अपन पढ़ेंगे आज, चंद्रयान 2। इस चंद्रयान जो मिशन था अपना, चंद्रयान 2 जो मिशन रहा, इसके बारे में अपन आज एनालिसिस करेंगे क्लास में। चंद्रयान 2 की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखो चंद्रयान के नाम से अपने को पता चल रहा है कि चंद्रयान जो मिशन था वो किसके लिए चलाया गया था, यानी चंद्रयान जो मिशन था इस मिशन को भेजा गया था किस पे, चंद्रमा पर। और चंद्रमा को आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है ये अपनी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है अपना, वो कौन है अपना, चंद्रमा। इस चंद्रमा पर भेजा गया था चंद्रयान 2। इस चंद्रयान 2 की अगर अपन बात करें कि ये चंद्रमा पर भेजा गया था, तो इसको भेजने के उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी इसको किस पर्पज से भेजा गया था। इसके पर्पज की अगर मैं बात करता हूं, चंद्रयान 2 के पर्पज की अगर अपन बात करें, तो चंद्रयान 2 का जो पर्पज था, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका जो पहला उद्देश्य, यानी जो उद्देश्य रखा गया, वो रखा गया खनिजों का पता लगाने के लिए। यानी जो चंद्रमा है उसकी अगर अपन बात करें कि चंद्रमा का जो धरातलीय भाग है उसमें कौन कौन से खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। दूसरे टॉपिक की अगर अपन उद्देश्य में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पता लगाने के लिए भेजा गया, यानी चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य था उसमें था भूकंप की तीव्रता। यानी अगर वहां पे आता है भूकंप आता है, तो वहां की जो तीव्रता है उसके बारे में पता करने के लिए अपना मिशन गया था कौन सा, चंद्रयान 2। अब देखो आगे अगर अपन बात करें, इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो था जल की उपस्थिति। क्या था? जल की उपस्थिति, कि चंद्रमा के धरातलीय भाग पर जल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपन ने भेजा था कौन सा, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 की अगर अपन बात करते हैं, देखो चंद्रयान जो 2 मिशन था अपना, इस मिशन की बात करें, आप सबको पता है कि चंद्रयान जो 2 था इसकी जो लॉन्चिंग डेट पहले रखी गई थी वो रखी गई थी 15 जुलाई 2019। इसकी अगर अपन बात करें, लेकिन आपको पता है कि 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान जो 2 था इसके जो अपनी लॉन्चिंग करने वाले थे, इसको 15 जुलाई 2019 को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसको 15 जुलाई 2019 को क्या नहीं किया गया, लॉन्च नहीं किया गया। अब इसकी जो लॉन्चिंग हुई, इसकी लॉन्चिंग डेट अगर मैं बात करता हूं, तो लॉन्चिंग जो डेट है इसकी वो रही थी अपनी 22 जुलाई 2019। यानी चंद्रयान जो 2 था इसकी लॉन्चिंग की गई 22 जुलाई 2019 को। अब देखो आगे, 22 जुलाई 2019 को अगर अपन बात करते हैं, इसकी लॉन्चिंग कर दी गई। आगे चलते हैं अपन चंद्रयान 2 की आगे अगर अपन बात करते हैं कि चंद्रयान जो 2 था इसको भेजने वाली संस्था कौन सी थी। यानी बात करते हैं कि चंद्रयान जो 2 था इसको चंद्रमा पर भेजने वाली जो अपनी एजेंसी या जो संस्था है वो कौन सी थी। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि यहां पे अगर अपन बात करें, चंद्रयान 2 को भेजने वाली जो संस्था थी उसका नाम है इसरो, जिसको अपन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भी मानते हैं। इसरो के द्वारा भेजा गया था कौन सा यान, चंद्रयान 2। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसरो की, इसरो की सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसरो की अगर मैं बात करता हूं पहले, इसरो की जो फुल फॉर्म होती है उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसकी होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की क्या होती है फुल फॉर्म। इस इसरो के द्वारा भेजा गया था अपना कौन सा यान, चंद्रयान 2। अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं इसरो के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे अपन इसरो की फुल फॉर्म, जैसा कि अपन ने देख ली। अब आपसे पूछता है कि इसरो जो है, इसरो केवल अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी मिशन है उसको भेजने का काम करती है कौन, इसरो। इसरो की अगर मैं बात करता हूं तो अपन बात करेंगे इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969, यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई थी, स्थापना। इस स्थापना के बाद अपन बात करते हैं इसरो के मुख्यालय की, यानी इसरो का जो मुख्यालय रहा वो कहां पे रहा। इसरो के मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसरो का जो मुख्यालय है वो है अपना कहां पे, बेंगलोर में। यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो है अपना कहां पे, बेंगलोर में। बेंगलोर की अगर अपन बात करें, इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर। अब देखो आगे, इसरो का मुख्यालय अपना बेंगलोर में। इसके बाद अगर आपसे आगे पूछे कि इसरो जो है इसकी अगर अपन बात करें अध्यक्ष की, इसरो के अध्यक्ष, इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान जी के सानिध्य में अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था और वर्तमान में भी इसरो के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान। इसके बाद अपन बात करते हैं, यहां से करंट का क्वेश्चन और बनता है, डॉक्टर के सिवान जी जो हैं इनको 2019 में, कब की बात कर रहे हैं अपन, 2019 में इनकी अगर अपन बात करें तो डॉक्टर के सिवान जी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी 2019 में डॉक्टर के सिवान जी की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। और डॉक्टर के सिवान जी जो हैं ये अपने इसरो के 10वें क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब देखो आगे, अपन ने बात कर ली कि इसरो के द्वारा यानी संस्था चंद्रयान 2 से संबंधित जो संस्था है वो कौन सी, अपनी इसरो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है तो वो है अपनी कौन सी, इसरो। अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं कि ये जो चंद्रयान 2 था इसको ले जाने वाला जो रॉकेट, यानी जो मिशन है इसको ले जाने वाला जो रॉकेट है, उस रॉकेट की अगर अपन बात करें कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर ले जाने वाला जो रॉकेट था उसका क्या नाम है, तो रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो इसको ले जाने वाला जो रॉकेट था उसका नाम था GSLV MK3। यानी जो अपना चंद्रयान 2 था इससे संबंधित, यानी इसको ले जाने वाला जो रॉकेट रहा उसका नाम था GSLV MK3। अब देखो GSLV MK3 की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। GSLV की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो GSLV की अगर अपन बात करते हैं, जी का मतलब होता है जियो, एस का मतलब होता है साइक्रोनस, एल का मतलब होता है लॉन्चिंग, वी का मतलब होता है व्हीकल, और एमके का मतलब होता है मार्क, और मार्क का शॉर्ट कर दिया क्या, एमके। अब देखो ये GSLV जो रॉकेट है, इस GSLV रॉकेट की अगर अपन बात करें सबसे ज्यादा वजन ले जाने में क्या है, सहायक है, तो इसका क्या है एक उपनाम भी रखा गया इस बार। इसका जो उपनाम था वो था बाहुबली, उपनाम था इसमें कौन, बाहुबली। यानी GSLV MK3 का उपनाम क्या था, बाहुबली। सबसे ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है इसलिए इसका उपनाम क्या रखा गया, बाहुबली। अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं कि चंद्रयान जो 2 था, इस चंद्रयान 2 की अगर अपन बात करते हैं वजन की, किसकी बात करें, वजन, वजन की अगर मैं बात करता हूं तो अपना जो GSLV MK3 है ये लगभग 4 टन वजन ले जाने में क्या है, सक्षम है।
अगर अपन चंद्रयान 2 की बात करते हैं वजन की, चंद्रयान 2 का जो वजन रहा वो रहा 3850 केजी, यानी 3850 केजी जो था वो अपने चंद्रयान 2 का क्या रहा था, टोटल वेट रहा था। अब देखो आगे, इस 3850 वेट के बाद अपना जीएसएलवी लेके गया था इसको, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाहुबली। अब देखो आगे, आगे अगर मैं बात करूं इसकी, आगे अगर अपन बात करते हैं बाहुबली की बात करें, अब देखो चंद्रयान 2 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है कि अपना जो चंद्रयान 2 था इसके पार्ट की बात आती है। किसकी बात आती है, पार्ट। पार्ट का मतलब कि चंद्रयान जो 2 था इसके कितने भाग थे। भाग की अगर अपन बात करते हैं तो अगर भाग में पूछो आपसे तो देखो, भाग की अगर अपन आगे बात करेंगे तो देखो यहां पे लिखते हैं अपन, ये लो इसके पार्ट, पार्ट का मतलब इसके भाग। देखो पार्ट की अगर अपन बात करें, चंद्रयान जो 2 था इसके 3 भाग थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, जीएस जो अपना चंद्रयान 2 था इसके 3 भाग रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसका जो भाग था उसका नाम था ऑर्बिटर। क्या नाम था, ऑर्बिटर। दूसरे अगर अपन बात करें, इसका जो दूसरा भाग रहा ऑर्बिटर के बाद अगर अपन बात करें, एक इसका भाग था लैंडर। क्या नाम था, लैंडर। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसका जो तीसरा पार्ट रहा उसका नाम था रोवर, यानी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इस ऑर्बिटर की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये 3 पार्ट है, काम क्या होता है इनका। सबसे पहले आप जानते हो कि जब से अपन किसी चंद्रमा पे जैसे भेजे तो क्या करता है कि यहां से अपन बात करेंगे, वैसे तो इसको डिटेल से आपको पढ़ाएंगे जब अपनी एक क्लास स्पेशल रखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी की, उसमें बात करेंगे अपन इसकी डिटेल से। अभी तो मैं बता देता हूं, ऑर्बिटर का मतलब होता है कि जिस भी उपग्रह पे आए, यानी आप ग्रह पे भेज रहे हो या किसी भी कक्षा में भेज रहे हो, ऑर्बिटर जो होता है, ऑर्बिटर का काम होता है कि उसके कक्षा में क्या काम करने का, चक्कर लगाने का। लैंडर की अगर अपन बात करें, लैंडर जो होता है, इस लैंडर को क्या किया जाता है कि जिस भी ग्रह या उपग्रह की आप उसमें शाखा कक्षा में भेज रहे हो वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। रोवर जो होता है, रोवर क्या करता है कि जो एक इसमें पहिए लगे हुए होते हैं और ये क्या करता है कि वहां की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, आप देखो तीनों की अपन ने बात कर ली। ऑर्बिटर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा कक्षा में। लैंडर को क्या कर देते हैं, परमानेंट फिक्स कर देते हैं। रोवर जो होता है, रोवर क्या करता है कि इस लैंडर को चारों तरफ की सूचनाओं का एकत्रण करके इसको क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। अब देखो आगे, ऑर्बिटर में अपन ने बात कर ली। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रयान जो अपना 2 है, इस चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करता हूं, चंद्रयान 2 का जो लैंडर था इसका भी नाम रखा गया था और रोवर का भी नाम रखा गया था। अब देखो जो चंद्रयान 2 था इसका जो लैंडर था, इस लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। क्या नाम रखा गया था, विक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंडर का नाम था विक्रम। इसके बाद रोवर की अगर अपन बात करते हैं, रोवर जो था इसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। ठीक है, यानी लैंडर का नाम तो था विक्रम और रोवर का नाम था क्या, प्रज्ञान। अब देखो आगे, आगे अगर अपन बात करते हैं कि चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाला भारत विश्व का कौन सा देश अगर सफल होता तो कौन सा देश बनता, लेकिन क्या रहा, भारत का जो चंद्रयान 2 था वो क्या रहा था, असफल रहा। अगर भारत की अगर अपन बात करें कि अगर भारत इसमें क्या हो जाता, सफल हो जाता, यानी सक्सेस हो जाता मिशन, तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाता जो अपने मिशन को क्या कर लेता, सक्सेस करने वाला। सबसे पहले अगर अपन बात करें सफल जो देश हैं उनमें एक तो आता है कौन, यूएसए। ठीक है, यूएसए के बाद अगर अपन बात करें एक जो देश है उसका नाम आता है कौन, रूस। और रूस के बाद एक जो देश है सफल जो इसमें रहा है वो कौन सा रहा है, चीन। ठीक है, अब देखो यूएसए, रूस और चीन, इन 3 देशों की अगर अपन बात करें तो ये चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाले क्या हैं, जो सफलता प्राप्त कर ले, वो 3 देश हैं, यूएसए, रूस और चीन।
अगर भारत का सफल होता तो भारत कौन से नंबर पे जाता, इसमें चार नंबर पे जाता। अब देखो आगे, अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चीन जो है, इस चीन ने अपना जो मिशन भेजा था, ये मिशन भेजा था इसने दिसंबर 2018 में, ठीक है, मिशन दो जो भेजा ये दिसंबर 2018 में भेजा। और इस मिशन की अगर मैं बात करता हूं, चीन का जो मिशन था जो चंद्रमा पर इसने भेजा था, इस मिशन की अगर अपन बात करते हैं तो चीन के द्वारा जो मिशन भेजा गया दिसंबर 2018 में, इस मिशन का नाम था चांग ई फोर। क्या नाम रहा? चांग ई फोर। चांग ई फोर जो है वो चीन का मिशन था जिसको कहां भेजा था, चंद्रमा पे। और चंद्रमा पे भी इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि चीन ने चंद्रमा के कौन से भाग पर इस चांग ई फोर को क्या किया है, स्थापित किया, यानी मिशन को क्या किया है, स्थापित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन के द्वारा जो मिशन भेजा गया था, इसने क्या किया था कि जो चंद्रमा का पीछे वाला भाग है, यानी चंद्रमा का पश्चिम भाग, इस चंद्रमा के पश्चिम भाग पर क्या किया है, इसने स्थापित किया है किसको, चांग ई फोर को। अब देखो आगे, जैसा अपन ने पढ़ा कि भारत ने चंद्रयान भेजा था कब, जुलाई में, चंद्रयान टू। अब भारत से पहले देखो चीन का सक्सेस रहा, भारत से पहले अगर अपन बात करें 2019 में भारत से पहले यानी चंद्रमा पर अपना एक मिशन भेजा था, उस देश का नाम क्या था, इजराइल। इजराइल के द्वारा भी 2019 में यानी अप्रैल के आसपास अपना जो मिशन भेजा था किसने, इजराइल ने। इजराइल ने जो 2019 में मिशन भेजा, लेकिन वो क्या रहा, सक्सेस नहीं रहा इजराइल का भी। और इस मिशन का जो नाम था वो नाम था बेरेसेट। क्या नाम रहा, बेरेसेट। बेरेसेट मिशन था इजराइल का, और चांग ई फोर था किसका, चीन का। अब देखो दोस्तों आगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर अपन बात करें, आगे की बात जब अपन करते हैं तो देखो, यहां पे अपन ने बात कर ली, अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है अपना चंद्रयान का। चंद्रयान की अगर मैं आगे बात करता हूं कि चंद्रयान जो फर्स्ट सेकंड रहा, इसकी अगर अपन बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर की, किसकी बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर यानी किसके सानिध्य में ये कार्य हुआ, तो इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो अपने भारत की दो महिलाएं रही। महिलाओं में अगर अपन बात करें, एक जो महिला रहे उनका नाम तो था रितु करीगल। क्या नाम था, रितु करीगल। और दूसरे जो महिलाएं रही जो इसमें योगदान रहा उनका नाम था एम विनीता। क्या नाम रहा, एम विनीता। एम विनीता की अगर अपन बात करें, एम विनीता जी इसके क्या रहे, प्रोजेक्ट मैनेजर, और एक कौन थे, रितु करीगल। अब देखो आगे, आगे अगर अपन बात करते हैं, अब अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान जो टू था उसको जब भारत ने कहां पे भेजा, चंद्रमा पे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चंद्रमा के कौन से भाग पर अगर ये सक्सेस होता तो चंद्रमा के कौन से भाग पर क्या होते, इसको स्थापित करते अपन। तो देखो चंद्रमा की अगर मैं बात करता हूं, भारत ने जो अपना मिशन भेजा था यानी चंद्रयान जो टू अगर सक्सेस होता तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करते, इसको अपन स्थापित करते, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे अपन इसको क्या करते, स्थापित करते, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो सबसे ज्यादा अंधेरा वाला और सबसे ज्यादा ठंडा वाला भाग है चंद्रमा का, इस पे अपन किसको स्थापित करते, चंद्रयान टू को। लेकिन ये क्या रहा कि यहां स्थापित करने से थोड़ा सा पहले पृथ्वी की सतह से टकराने के कारण अपना जो लैंडर था वो लैंडर क्या हो गया, उसका कनेक्शन अपने इसरो से क्या हो गया, टूट गया, और भारत का मिशन क्या रहा, ये असफल रहा। अब देखो आगे, आगे अपन बात करते हैं कि ये तो था अपना चंद्रयान टू, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चंद्रयान फर्स्ट की अगर अपन बात करें, चंद्रयान फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, चंद्रयान फर्स्ट ये तो सेकेंड था, चंद्रयान फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो देखो चंद्रयान फर्स्ट जो रहा इसकी अगर अपन लॉन्चिंग की बात करते हैं, भेजने वाली संस्था तो वही कौन, इसरो, यानी इसको भेजा था किसने ही, इसरो ने। अब आपके दिमाग में बोले सर कब भेजा था, इसकी लॉन्चिंग डेट निकाल देते हैं, यानी इसका प्रक्षेपण जो था
इसके प्रक्षेपण की अगर अपन बात करते हैं, इसका प्रक्षेपण जो हुआ वो हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। और 2008 में अगर इसके अपन डेट निकालते हैं तो इसकी डेट आती है कितनी? 22 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन चंद्रयान फर्स्ट का एक क्वेश्चन, चंद्रयान जो फर्स्ट था उसमें केवल एक ही भाग था और उस भाग का नाम क्या था? ऑर्बिटर। केवल ऑर्बिटर के साथ भेजा गया था कौन? चंद्रयान फर्स्ट। उसमें ना तो लैंडर था और ना क्या था उसमें? रोवर था। केवल ऑर्बिटर के साथ ही क्या किया गया था? इसको भेजा गया था किसको? चंद्रयान फर्स्ट को। अब देखो इसमें जो रॉकेट था वो जीएसएलवी नहीं था, इसमें जो रॉकेट था उस रॉकेट का नाम था पीएसएलवी। क्या था? पीएसएलवी। और पीएसएलवी C11, ठीक है, पीएसएलवी C11 रॉकेट जो था वो किसको लेके गया था? चंद्रयान फर्स्ट को। आप देखो आगे, अब अपन आगे बात करते हैं कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर चंद्रयान जो था, चंद्रयान सेकंड, इस चंद्रयान सेकंड की जो लॉन्चिंग स्थान है यानी कहां से लॉन्च किया गया, यानी लॉन्चिंग स्थान, लॉन्चिंग स्थान की अगर अपन बात करें तो देखो अपना चंद्रयान जो टू था इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से किया था अपन ने? सतीश धवन केंद्र। और सतीश धवन केंद्र की अगर अपन बात करें तो ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा आप सब जानते हैं कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यानी सतीश धवन केंद्र हरिकोटा से जो अपन ने आंध्र प्रदेश से इसके क्या किया था? लॉन्च किया था। अब देखो आगे, अब अपने दिमाग में आगे बात करते हैं कि अपना ये सक्सेस नहीं रहा कौन सा? चंद्रयान टू। अब चंद्रयान टू क्या हुआ कि कुछ समय पहले यानी 39 सेकंड के आसपास ये जैसे अपन लैंडर को स्थापित करने वाले थे उससे पहले क्या हो गया? वो क्रैश हो गया और अपना जो कनेक्शन था लैंडर का वो क्या कर दिया? टूट गया इसरो से। अब देखो फिर अपन ने क्या किया? उसका 14 दिन वेट किया, ठीक है। इसरो ने घोषणा की कि 14 दिन के बीच में इससे क्या हो सकता है? कनेक्शन वापस जुड़ सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये 14 दिन कैसे? 14 दिन इसलिए होता है कि वहां पे चंद्रमा पे 14 दिन का जो समय होता है उसको अपन बोलते हैं लूनर डे, ठीक है, जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब अपन वायुमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लूनर डे जो होता है, लूनर डे का मतलब पृथ्वी का एक दिन बराबर अपन बात करें चंद्रमा के 14 दिन वाला भाग। तो 14 दिन तक क्या रहता है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव था उस पर क्या था कि अपन उससे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो क्या रहा? अपना असफल ही रहा। तो असफल जब रहा तो असफल रहने के कारण अपन ने क्या कर दिया? उसको बाद में कोई कनेक्शन नहीं जुड़ पाया और इसके बाद चंद्रयान टू पूरी तरह से क्या रहा? अपना असफल रहा। अब देखो असफल तो रह गए लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन आता है अपने कि सर जो अपना चंद्रयान टू था, अब अपन ने 3 पार्ट की बात की। अभी देखो 3 पार्ट में अपन ने देखा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अपने चंद्रयान टू का जो ऑर्बिटर वाला पार्ट है, ठीक है, इस ऑर्बिटर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटर तो आज भी क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है। चंद्रमा की कक्षा में क्या लगा रहा है? वो चक्कर लगा रहा है अभी भी। लेकिन अपना जो लैंडर था वो क्या हो गया? अपना कनेक्शन नहीं हो पाया था इससे। अब देखो आगे, एक बार इसको मैं फटाफट से रिपीट कर देते हैं। चंद्रयान टू उद्देश्य, सॉरी, चंद्रयान में चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। उद्देश्य अपन ने देख लिए, इसकी लॉन्चिंग 15 जुलाई को होने वाली थी लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कब किया इसको? 22 जुलाई को। संस्था कौन सी रही? इसरो। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखो फिर अपन ने इसरो की बात की, इसरो का मुख्यालय कहां, सॉरी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके बाद मुख्यालय रहा बेंगलोर में, अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। फिर रॉकेट देखा अपन ने जिसको उपनाम बाहुबली, वजन कितना? 3850। भाग फिर अपन ने बात किए, 3 भाग हो गए थे। इसके बाद अपन अगर सक्सेस होते तो भारत कौन सा नंबर का बनता? 4 नंबर का। इसके पहले सक्सेस चीन, चीन ने दिसंबर 2018 में मिशन का नाम चांग E4 चंद्रमा का कौन से भाग पे भेजा था? पीछे वाले भाग पे।
फिर 2019 में किसने परीक्षण किया था इसका? इजराइल ने, और इजराइल का जो मिशन था उसका क्या नाम था? बेरेसेट। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो फिर अपन ने प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की, भारत ने कहां भेजा था अपन ने? दक्षिणी ध्रुव पे। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा अपन ने देख लिया, चंद्रयान टू जो था इसका लॉन्चिंग स्थान अपन ने देख लिया कि सतीश धवन केंद्र कहां से, श्रीहरिकोटा से इसका क्या रहा? लॉन्चिंग स्थान रहा। अब देखो दोस्तों, चंद्रयान जो टू था अपन ने इसकी जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो अपन ने क्या कर लिया, इसमें एनालिसिस कर लिया है। अब अपना जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसकी जो अपनी क्लास रहेगी स्पेशल साइंस टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको सारी चीजें बताएंगे अपन, जैसे जीएसएलवी क्या होता है, कक्षाएं क्या होती हैं, ऑर्बिटर कैसे होता है, जो अपना के रोवर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो अपनी रहेगी वो साइंस टेक्नोलॉजी की जो क्लास रहेगी अपनी स्पेशल, उसमें अपन इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं पे अपना चंद्रयान टू क्या होता है फिनिश होता है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।